इस कहानी की शुरुआत में हमें थोर के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिस पर थेनोस अपने बहुत बड़े शिप से अटैक कर देता है और एस्गार्ड की आधी प्रजा को मार देता है क्योंकि थेनोस अपनी ब्लैक ऑर्डर टीम के साथ आया था जिसमें थेनोस के सभी बच्चे शामिल थे। थोर थेनोस से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने कमजोर था। यहाँ हमें पता चलता है कि थेनोस के पास एक इन्फिनिटी स्टोन होता है जिसे पावर स्टोन कहा जाता है जो उसने एक वीक पहले जेंडार को तबाह करके हासिल किया था और अब थेनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन में से आज की तलाश थी क्योंकि थेनोस ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो लोकी को कहता है कि मुझे टेसरेक्ट दे दो वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। थोर उसे कहता है कि हमारे पास टेसरेक्ट नहीं है, वो एस्गार्ड के साथ तबाह हो गया है। लेकिन थेनोस को पता था कि टेसरेक्ट लोकी के पास है लेकिन वो थेनोस को टेसरेक्ट नहीं देता तो थेनोस अपने पावर स्टोन से थोर को मारने लगता है। लोकी अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता था इसीलिए वो थेनोस को टेसरेक्ट देने लगता है। तभी हल्क वहाँ आकर थेनोस पर अटैक कर देता है लेकिन थेनोस बहुत ही ताकतवर था इसीलिए हल्क को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी थोर भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन एबोनी माओ अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से थोर को बंदी बना लेता है। ये देखकर हेमडाल ने बाइफ्रोश की शक्ति से हल्क को धरती पर भेज देता है ताकि वो एवेंजर को आगाह कर सके। इससे थेनोस को बहुत गुस्सा आता है और वो हेमडाले को जान से मार देता है। फिर माओ थेनोस को टेसरेक्ट देता है और उसे कहता है कि आपके अलावा ऐसा कोई जीव नहीं है जो 2 अनंत मणियों को धारण कर सके। थेनोस टेसरेट को कुचलकर उसमें से स्पेस स्टोन निकाल लेता है और गोडलेट में धारण कर लेता है। गोडलेट एक खास तरह का ग्लव होता है जिसे थेनोस ने खास उन 6 मणियों को धारण करने के लिए बनवाया था। थेनोस अपने बच्चों को कहता है कि पृथ्वी पर 2 और अनंत मणियां है इसीलिए तुम वहां जाओ और उन अनंत मणि को मेरे पास टाइटन ग्रह पर ले आना। तभी वहाँ लोकी आ जाता है जो थेनोस को अपनी बातों में फंसा कर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन थेनोस उसकी गर्दन पकड़ कर उसे मार देता है। थेनोस अपनी पावर से थोर के शिप को तबाह करके स्पेस स्टोन की मदद से वहाँ से निकल जाता है। थोर अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वो शिप ब्लास्ट हो जाता है। वही हमें हल्क को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में गिर जाता है और वो ब्रूस बैनर के रूप में वापस आ गया था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को कहता है कि थेनोस नाम की कयामत हमारी धरती पर आने वाली है लेकिन स्ट्रेंज को कुछ समझ नहीं आता। वही हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो पेपर के साथ डेट कर रहा था और वो अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग कर रहे थे। टोनी पेपर से वादा करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो टोनी को कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो टोनी उनके साथ न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में आ जाता है जहाँ वोंग सभी को बताता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। फिर एक बड़े धमाके की वजह से 6 स्टोन आकाश गंगा में विसर्जित हुए जो अस्तित्व के सभी आवश्यक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर स्ट्रेंज उन्हें सभी टाइम स्टोन के बारे में बताते हैं कि नीले रंग के स्टोन को स्पेस स्टोन कहा जाता है जिसकी पावर से अंतरिक्ष में कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता है और पीले रंग के स्टोन को माइंड स्टोन कहा जाता है जिसकी मदद से किसी के भी दिमाग को काबू किया जा सकता है और लाल रंग के स्टोन को रियलिटी स्टोन कहा जाता है जिसकी मदद से किसी भी जगह की वास्तविकता को बदला जा सकता था और बैंगनी रंग के स्टोन को पावर स्टोन कहा जाता है जिसकी मदद से किसी भी ऊर्जा में हेरफेर की जा सकती थी और ये एक ही विस्फोट से पूरी सभ्यताओं को नष्ट कर सकता है। और हरे रंग के स्टोन को टाइम स्टोन कहा जाता है जिसकी मदद से समय को काबू या फिर से बदला जा सकता है और ये मणि डॉक्टर स्ट्रेंज के आधा माथों की आंख में है। और आखिरी मणि को सोल स्टोन कहा जाता है जो नारंगी रंग की होती है जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति के आत्मा के साथ हेर फेर कर सकते हैं। फिर ब्रूस टोनी को बताता है कि थेनोस एक श्राप है जो ग्रह पर कब्जा कर लेता है और उसने स्पेस स्टोन और पावर स्टोन को हासिल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि वो अभी यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली जीव है और अगर उसने पूरे 6 स्टोन हासिल कर लिए तो उसके कर से बचना नामुमकिन होगा। तो टोनी सभी को कहता है कि अगर थेनोस पूरे 6 स्टोन हासिल करना चाहता है तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन को ही नष्ट कर देते हैं जिससे वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो स्ट्रेंज और वोंग टोनी को कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने कसम खाई है कि हम टाइम मणि को कुछ नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर टोनी और स्ट्रेंज में बहस हो जाती है तो ब्रूस उन्हें शांत करता है और उन्हें बताता है कि हमारी अर्थ पर 2 मणि है जिनमें से एक स्ट्रेंज के पास है और दूसरी विजन के पास, इसीलिए हमें विजन को ढूंढना होगा वरना थेनोस उससे माइंड स्टोन हासिल कर लेगा। तो टोनी उसे कहता है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन 2 हफ्ते पहले विजन ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया है और सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही उसके बारे में जानता होगा लेकिन मैं उसे कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्टीव से लड़ाई हो चुकी है और एवेंजर 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। तो ब्रूस टोनी को समझाता है कि थोर को थेनोस ने मार दिया है और थेनोस यहाँ आ रहा है इसीलिए हमारे पास
पास आपसी झगड़े का वक्त नहीं है। तो टोनी भी उसकी बात मान लेता है और वो स्टीव को कॉल लगाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि एक स्पेसशिप धरती पर आ रहा था। वही हमें पीटर को दिखाया जाता है जो बस से स्कूल जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि स्पेसशिप धरती पर आ रहा है। ये देखकर वो नेट को सभी का ध्यान भटकाने को कहता है और पीटर वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। वही स्टेंज स्पेसशिप को धरती पर आने से रोक देते हैं, लेकिन तभी उनमें से ब्लैक आर्डर के दो मेंबर कल और माओ बाहर आ जाते हैं जो स्टेंज से टाइम स्टोन हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर टोनी हल्क को बाहर निकलने को कहता है। ब्रूस कोशिश करता है लेकिन हल्क बाहर नहीं आता। ये देखकर टोनी अपने नए नैनो पार्टिकल सूट को एक्टिवेट कर लेता है और कल से फाइट करने लग जाता है और स्टेंज ब्रूस को वहाँ से किसी सेफ जगह पर भेज देते हैं। कल टोनी पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। ब्रूस काफी कोशिश करता है लेकिन हल्क बाहर नहीं आता। तभी पीटर भी वहाँ आ जाता है और वो कल से फाइट करने लगता है। वही माओ अपनी पावर से वोंग को बेहोश कर देता है और स्टेंज पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और उससे आधा मातों की आँख छीनने लगता है, लेकिन इससे उसका हाथ जल जाता है और स्टेंज उसे बताता है कि मैंने इस पर जादू कर रखा है और तुम इसे तोड़ नहीं सकते। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्टेंज को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन स्टेंज का जादुई चोगा उसे बचाकर वहाँ से भाग जाता है, मगर माँ उसका पीछा करता है। ये देखकर पीटर स्टेंज को बचाने जाता है लेकिन वो भी स्टेंज के साथ माँ के स्पेसशिप में चला जाता है। पीटर इस बारे में टोनी को बताता है लेकिन कल टोनी पर भारी पड़ रहा था। तभी वोंग वहाँ आकर कल को एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। टोनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने एआई को कहकर पीटर के सूट को भी वहाँ बुला लेता है, जिससे पीटर सांस न लेने की वजह से नीचे गिरने लगता है। तो आयरन स्पाइडर आर्मर उसे बचा लेता है। टोनी पीटर को वहाँ से वापस भेज देते हैं, लेकिन पीटर भी उनकी मदद करना चाहता था इसीलिए वो स्पेसशिप पर लटक जाता है। टोनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। वही हमें अर्थ पर दिखाया जाता है कि ब्रूस कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव को खुद ही कॉल लगाता है और वोंग उसे बताता है कि टाइम स्टोन हमारे हाथ से चला गया है, इसीलिए पवित्र स्थल को खतरा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वही हमें स्पेस में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप को दिखाया जाता है, जिन्हें थोर के शिप से इमरजेंसी सिग्नल मिला था इसीलिए उस तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ चारों ओर सिर्फ लाशें थी क्योंकि थेनोस थोर के शिप को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चला गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ है। तभी थोर उनके शिप पर गिर जाता है और वो देखते हैं कि वो जिंदा है, इसीलिए उसे अंदर ले आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो थोर है। फिर मेंटिस अपनी पावर से उसे होश में ले आती है और थोर उन्हें सब कुछ बताता है। फिर गमोरा उसे थेनोस के मकसद के बारे में बताती है कि वो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए आधे जीवों को मारना चाहता है और उसने अभी तक बहुत से ग्रह तबाह कर दिए हैं और अगर उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर लिए तो चुटकी बजाकर ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म कर देगा। तो थोर उसे कहता है कि तुम थेनोस के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। तो ड्रेक्स उसे बताता है कि गमोरा थेनोस की ही सौतेली बेटी है और वो उससे उतनी नफरत करती है जितनी कि तुम करते हो। तो थोर उन्हें बताता है कि थेनोस नोवेयर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों से रियलिटी स्टोन वही कलेक्टर नाम के आदमी के पास सुरक्षित रखा गया है। तो गमोरा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो किसी दूसरी मणि के पीछे नहीं जा रहा है। तो थोर उसे बताता है कि इस ब्रह्मांड में 6 इन्फिनिटी स्टोन मौजूद है जिसमें से थेनोस ने पावर स्टोन और स्पेस स्टोन का हासिल कर लिया है और टाइम और माइंड स्टोन पृथ्वी पर एवेंजर के पास सुरक्षित है और सोल स्टोन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो रियलिटी स्टोन को हासिल करने के लिए नोवेयर की तरफ बढ़ रहा होगा। तो गमोरा उसे कहती है कि हमें उसे रोकने के लिए वहाँ जाना चाहिए। तो थोर उसे कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें नेदरवेलिया जाना है क्योंकि मुझे मेरा हथौड़ा वापस चाहिए और वही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हथियार बनते हैं। फिर रॉकेट थोर और ग्रूट वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और बाकी बचे हुए गार्डियन नोवेयर की तरफ निकल जाते हैं। वही हमें वांडा और विजन को दिखाया जाता है जो स्कॉटलैंड में एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। तभी थेनोस के दो और बच्चे मिडनाइट और कोर्वस वहाँ आकर उन पर हमला कर देते हैं। कोर्वस विजन को इंसर्ट कर देता है जिससे वो उन पर हमला नहीं कर पाता। वांडा उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो अकेले उन दोनों का सामना नहीं कर पाती और कोर्वस विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने लगता है। ये देखकर वांडा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला करके विजन को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मिडनाइट उस पर हमला कर देती है जिससे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा गिरते हैं। मिडनाइट और कोर्वस उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्टीव फाल्कन और नताशा आ जाती है क्योंकि ब्रूस ने उन्हें बता दिया था कि विजन को खतरा है। वो सभी मिलकर मिडनाइट और कोर्वस पर अटैक कर देते हैं जिससे उनका सामना नहीं कर पाते और वो कोर्वस को इंजर्ट कर देते
लेते हैं। फाल्कन उन पर गन पॉइंट कर देता है और नताशा उन्हें कहती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। तो अपनी क्यू शिप से वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्टू वांडा और विजन को अपने साथ लेकर एवेंजर्स कंपाउंड की तरफ निकल जाता है। वही हमें गमोरा को दिखाया जाता है जो अपने बचपन की बातें याद कर रही थी जब थेनोस ने उनके ग्रह जेन ओबेरी पर हमला कर दिया था, जहाँ गमोरा अपनी माँ के साथ छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थेनोस के लोगों ने उसकी माँ को पकड़ लिया। थेनोस ने जब देखा कि गमोरा बहुत बहादुर है तो उसे अपने साथ लेकर गया और उसे एक चाकू दिया और बताया कि जैसे चाकू पूरी तरह से बैलेंस है, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड को भी बैलेंस होना चाहिए। और वो गमोरा के ग्रह के आधे लोगों को मार देता है जिसमें गमोरा के पेरेंट्स भी होते हैं। और उस दिन के बाद से थेनोस ने गमोरा को पाला था। इन यादों से गमोरा काफी उदास हो जाती है। तभी क्विल भी वहाँ आ जाता है तो गमोरा उसे कहती है कि अगर हम थेनोस से हार जाएं और अगर थेनोस किसी तरह मुझे पकड़ ले तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे मार दोगे। गमोरा ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि सोल स्टोन कहाँ है और उसे पता था कि अगर थेनोस ने उसे पकड़ लिया तो वो उससे सोल स्टोन के बारे में पता कर लेगा। लेकिन क्विल उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उससे प्यार करता था, लेकिन गमोरा उसे उसकी माँ की कसम देती है तो क्विल को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर वो नोवेयर पहुँच जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो पूरा इलाका सुनसान है और वो अपनी शिप वहाँ एक जगह लैंड करते हैं। उन्हें थेनोस की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि थेनोस कलेक्टर से रियलिटी स्टोन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कलेक्टर उसे कुछ नहीं बताता। ड्रेक्स को थेनोस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसके बच्चे और वाइफ को मारा था, इसीलिए उस पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। तो सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि थेनोस ने अभी वो मणि हासिल नहीं की है, लेकिन ड्रेक्स उनकी बात नहीं सुनता तो मेंटिस उसे बेहोश कर देती है जिससे एक जोरदार शोर होता है और थेनोस को पता चल जाता है कि वहाँ कोई मौजूद है। ये देखकर गमोरा थेनोस पर अटैक करके चाकू और तलवार की मदद से उसे घायल कर देती है जिससे ऐसा लगता है कि जैसे थेनोस मर गया हो। लेकिन तभी थेनोस की आवाज आती है और पता चलता है कि थेनोस ने पहले ही रियलिटी स्टोन हासिल कर लिया था और वो पूरी जगह रियलिटी स्टोन की मदद से बनाया गया एक जाल था, क्योंकि उसे पता था कि गमोरा वहाँ जरूर आएगी और उसकी मदद से सोल स्टोन का पता लगा सकता है। ये देखकर गमोरा थेनोस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन थेनोस उसे अपने कब्जे में ले लेता है और वो मेंटिस और ड्रेस को रियलिटी स्टोन से टुकड़ों में बदल देता है। क्विल थेनोस से कहता है कि गमोरा को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो गमोरा उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मार दोगे। क्विल काफी इमोशनल हो जाता है और वो काफी कोशिश करने के बाद गमोरा पर फायर करता है, लेकिन थेनोस रियलिटी स्टोन की पावर से उस गन को खत्म कर देता है और गमोरा को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके जाते ही मेंटिस और ड्रेस ठीक हो जाते हैं। वही हमें एवेंजर कंपाउंड में दिखाया जाता है कि रोडी और रोस हाल ही में हुई घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि उन्हें विजन के बारे में पता नहीं चल रहा था। रोस उन्हें कहता है कि अगर सुखोया समझौता नहीं होता तो विजन आज भी यही होता। तो रोस उसे कहता है कि उस समझौते पर तुमने भी साइन किए थे। तभी स्टीव वांडा और विजन को लेकर वहाँ आ जाता है। यह देखकर रोस रोडी को उन्हें गिरफ्तार करने को कहता है, लेकिन रोडी कनेक्शन कट कर देता है। रोडी उन सबसे मिलता है। तभी ब्रूस भी वहाँ आ जाता है। नताशा उसे देखकर खुश होती है। ब्रूस उन्हें बताता है कि थेनोस लौट आया है और वो हमें कहीं भी ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें हमारे सभी साथियों की जरूरत पड़ेगी। और वो होका यानी कि क्लिंट बार्टन को भी वहाँ बुलाने को कहता है। तो नताशा उसे कहती है कि सुखोया के हादसे के बाद बार्टन और स्कॉट ने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए वो एक घर में नजरबंद है। तो ब्रूस उन्हें बताता है कि थेनोस के पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी फौज है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे विजन का मणि नहीं मिल जाता। तो विजन उन्हें कहता है कि हमें इस मणि को नष्ट कर देना चाहिए और वो वांडा को कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ऐसी पावर है जिससे तुम इसे नष्ट कर सकती हो। तो वांडा उसे कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम भी साथ में मर जाओगे, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो विजन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि एक जान की कीमत लाखों लोगों की जान से ज्यादा नहीं है। तो एसटी उसे कहता है कि हम जान का सौदा नहीं करते। फिर ब्रूस उन्हें बताता है कि मणि को नष्ट करने के अलावा भी हमारे पास और भी रास्ते हैं। और वो विजन को बताता है कि तुम्हारा दिमाग कई सारी पेचीदा रचनाओं का संगम है और हम सब साथ मिलकर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इसीलिए तुम बिना मणि के भी जिंदा रह सकते हो और हम तुम्हारी मणि को निकाल कर नष्ट कर देंगे। तो नताशा उसे कहती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बेहतर जगह की जरूरत होगी। तो स्टीव को वकांडा के राजा टीचाला के बारे में याद आता है और वो वकांडा जाने के लिए निकल जाते हैं। वो टीचाला को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं, इसीलिए टीचाला ओके को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि अगर विजन यहाँ आएगा तो थेनोस के साथी मणि लेने के लिए उनके
पर हमला जरूर करेंगे, इसीलिए वो बकी को भी तैयार करने के लिए उसे वाइब्रेनियम से बना हुआ आर्म देता है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वहीं हमें माओ के स्पेसशिप में दिखाया जाता है कि जब स्टेंज की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से माओ के कब्जे में है। माओ उसे कहता है कि मैंने बरसों से थेनोस की सेवा की है और अगर मैं तुम्हें इस मणि के साथ चिपका हुआ टाइटन ग्रह ले गया तो थेनोस मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए तुम मुझे मणि दे दो। और स्टेंज के शरीर में बहुत सारी सुइयां चुबाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। टोनी ऊपर से ये सब देख रहा था, तभी पीटर भी उसके पास आ जाता है। टोनी उसे देखकर हैरान होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें वापस जाने को कहा था और तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं सोच समझ कर आया हूँ क्योंकि अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर को बचाने वाला स्पाइडरमैन जिंदा रहकर क्या करेगा। तो टोनी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्टेंज को बचाने का कोई प्लान है। तो पीटर उन्हें अपना प्लान बताता है जिसके मुताबिक टोनी अपने वेपन से स्पेसशिप में छेद कर देता है जिससे माओ स्पेस में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। स्टेंज भी बाहर जाने लगते हैं लेकिन पीटर और टोनी मिलकर उसे बचा लेते हैं। स्टेंज टोनी को कहते हैं कि हमें वापस अर्थ पर लौट जाना चाहिए क्योंकि यह शिप ऑटो पायलट मोड पर है और ये टाइटन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन टोनी उसे कहता है कि हमें घर वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुमने देखा था कि थेनोस ने 6 साल पहले न्यूयॉर्क में अपनी आर्मी भेजी थी जिससे बहुत तबाही हुई थी, इसीलिए हमें उससे उसके घर पर लड़ना चाहिए क्योंकि उसको हमारे वहाँ होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। तो स्टेंज भी उसकी बात मान लेता है लेकिन उसे कहता है कि अगर तुम पर या पीटर पर कोई मुसीबत आई तो मैं समय मणि को ही बचाऊंगा क्योंकि ब्रह्मांड का भविष्य दांव पर लगा है। फिर टोनी पीटर को भी एवेंजर बना देता है और वो टाइटन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि थेनोस गमोरा को पकड़कर अपने शिप पर ले गया था। गमोरा थेनोस को कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारे इस तख्त से नफरत करती हूँ। तो थेनोस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बेटी की तरह पाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तख्त पर बैठो। फिर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे ग्रह पर इसीलिए हमला किया था क्योंकि तुम्हारा ग्रह बर्बादी कगार पर था, लोग भूखे मर रहे थे, इसीलिए मैंने वहाँ की आधी आबादी को खत्म कर दिया जिससे अब वहाँ के लोग खुश हैं और भरपेट खाना खा रहे हैं। तो गमोरा उसे कहती है कि तुम पागल हो, तुमने आधे लोगों को मार दिया। तो थेनोस उसे कहता है कि ब्रह्मांड सीमित है, इसीलिए अगर लोगों की जनसंख्या बढ़ती रही तो जीवन ही नहीं बचेगा, इसीलिए मैंने जो किया वो जरूरी था और पहले तुम भी तो यही चाहती थी और मैंने तुम्हें आत्मा मणि ढूंढने के लिए भेजा था लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें वो मणि नहीं मिली। फिर थेनोस उसे एक सेल में लेकर जाता है जहाँ उसने नेबुला को कैद किया हुआ था। थेनोस उसे कहता है कि कुछ वक्त पहले तुम्हारी बहन मुझे मारने के लिए जहाज में घुस आई थी लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। फिर उसे टॉर्चर करने के लिए उसके हर एक हिस्से को धीरे धीरे खोलने लग जाता है। गमोरा अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकती थी इसीलिए उसे बता देती है कि आत्मा वड़ी वोरमीर में है। फिर थेनोस और गमोरा वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हमें रॉकेट, ग्रुट और थोर को दिखाया जाता है जो नेदा वेलिया की तरफ बढ़ रहे थे। रॉकेट थोर को कहता है कि अगर तुम थेनोस को मारना ही चाहते हो तो एक आँख से काम नहीं चलेगा और वो उसे एक और आँख देता है और बताता है कि कॉन्टेक्सियन नाम के ग्रह पर एक चिरकुट मुझसे शर्त हार गया था जिससे मुझे पैसे मिले और रात को मैंने उसकी आँख चुरा ली। फिर थोर उस आँख को लगा लेता है और थोड़ी देर में वो नेदा वेलिया पहुँच जाते हैं जहाँ थोर देखता है कि न्यूटन स्टार बुझ गया है और बत्ती बंद है। फिर वो अपनी शिप नीचे लैंड करते हैं जहाँ वो देखते हैं कि थेनोस के पास जो गोडलेट था उसका ढांचा यहाँ मौजूद है। तभी इटरी नाम का बोना उन पर अटैक कर देता है और वो थोर को कहता है कि हमें बचाना एसगार्ड का फर्ज था। तो थोर उसे बताता है कि एसगार्ड तबाह हो गया है। फिर वो इटरी से पूछता है कि थेनोस ने क्या किया। तो इटरी उसे बताता है कि यह जगह 300 बोनों का घर हुआ करता था और मुझे लगा कि अगर मैं थेनोस की बात मान लूं तो हम बच जाएंगे, इसीलिए मैंने उसके लिए एक ऐसा यंत्र बनाया जो मणि की शक्तियों को धारण करने के काबिल हो। फिर भी उसने सबको मार डाला, सिर्फ उसने मुझे जिंदा छोड़ा और कहा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, लेकिन उसने मेरे हाथों को बेकार कर दिया। तो थोर उसे कहता है कि कमाल सिर्फ तुम्हारे हाथों का नहीं है बल्कि तुम्हारे दिमाग का है क्योंकि तुमने अपने दिमाग से ही सभी हथियारों को बनाया है और अगर हम दोनों मिल जाए तो हम थेनोस को खत्म कर देंगे। तो इटरी उसकी बात मान जाता है और उन्हें स्टॉर्म ब्रेकर नाम के हथियार के ढांचे के पास लेकर जाता है और बताता है कि एसगार्ड का सबसे बेहतरीन हथियार है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाइफ्रोस्ट को भी बुला सकता है। इसका मतलब ये है कि इसकी मदद से कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता था, लेकिन हमें इसे बनाने के लिए भट्टी को फिर से शुरू करना होगा जिसके लिए हमें टूटते सितारों को फिर से चालू करना होगा। वही हमें नेबुला को दिखाया जाता है जो सेल में मौजूद आदमी को मार देती है और वो मेंटिस से कॉन्टेक्ट करके उसे जल्दी से टाइटन ग्रह
पर मिलने बुलाती है। वहीं टोनी, पीटर और स्टैन टाइटन ग्रह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो शिप क्रैश हो जाता है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक पार्किंग नहीं थी। तभी नेबुला के सिग्नल की वजह से गार्डियन वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें थेनोस के शिप की वजह से ऐसा लगता है कि वो थेनोस के आदमी है, इसीलिए वो उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन पीटर क्विल को बताता है कि हम एवेंजर है। फिर मेंटिस उन्हें थोर के बारे में बताती है कि वो जिंदा है और वो अपना नया हथियार बनाने गया है। क्विल देखता है कि वो ग्रह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। टोनी क्विल को कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा जिससे हम थेनोस को रोक सकते हैं, और वो यहीं पर आ रहा है, इसीलिए हम उसे पकड़कर गोडलेट छीन सकते हैं। तभी स्टैन टाइम स्टोन की मदद से आने वाले हर भविष्य को देख लेते हैं और वो टोनी और बाकी सभी को बताते हैं कि मैंने होने वाली लड़ाई के 1,40,605 नतीजे देखे हैं और उसमें सिर्फ एक बार हमारी जीत हुई है। वही हमें थेनोस और गमोरा को दिखाया जाता है जो वॉर्मिर में टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है, क्योंकि हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था कि रेड स्कल ने टेसरेट को अपने नंगे हाथों से उठा लिया था जिससे उसे सोल स्टोन के रक्षक का श्राप मिला। थेनोस रेड स्कल से पूछता है कि वो आत्मा मणि कहाँ है, तो रेड स्कल उसे कहता है कि तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी, और वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि आत्मा मणि का दर्जा सभी मणियों में सबसे ऊपर है, इसीलिए तुम्हें इसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को खोना होगा, जिससे ही तुम्हें आत्मा के बदले आत्मा मणि मिलेगी। इससे गमोरा बहुत खुश होती है और वो थेनोस को कहती है कि तुम आधी दुनिया को मिटाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम किसी से प्यार नहीं करते। थेनोस बहुत दुखी हुआ रोने लग जाता है और रेड स्कल गमोरा को बताता है कि थेनोस सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता है। इससे गमोरा काफी परेशान हो जाती है और वो ये बात नहीं मानती, लेकिन थेनोस उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है जिससे गमोरा की डेथ हो जाती है। फिर थेनोस की जवा खुलती है तो देखता है कि उसके हाथ में सोल स्टोन मौजूद होता है। वही हमें स्टीव और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो वकांडा पहुंच जाते हैं, जहां टीचाला और बकी उनका स्वागत करते हैं। फिर शुरी विजयन को स्कैन करती है और उन्हें बताती है कि विजयन के माइंड स्टोन को निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें 20 खरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद है, इसीलिए इसमें बहुत वक्त लगेगा। तभी वहाँ थेनोस की ब्लैक आर्डर आर्मी के जहाज वकांडा के सुरक्षा कवच के बाहर उतरते हैं। ये देखकर टीचाला अपनी सेना को तैयार रहने को कहता है। स्टीव वांडाव कहता है कि तुम यही विजन का ख्याल रखना और जब मणि अलग हो जाए तो मणि को खत्म कर देना। फिर टीचाला सभी सैनिकों और एवेंजर को लेकर सीमा की तरफ बढ़ने लगता है। ब्रूस को भी हल्क बस्टर नाम का सूट दे दिया जाता है क्योंकि हल्क बाहर नहीं आ रहा था। स्टीव और टीचाला मिडनाइट और कल से बात करने जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें और थेनोस को खाक के अलावा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो मिडनाइट उन्हें कहती है कि हम मणि हासिल करके रहेंगे, और वो अपनी आउटराइडर्स की बहुत बड़ी सेना को वहाँ बुला लेती है। जोन पर अटैक करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन वो कवच की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जिससे वो चारों तरफ फैल रहे थे। ये देखकर टीचाला सभी को कहता है कि हमें आगे के कवच को खोलना होगा वरना ये विजन तक पहुँच जाएंगे। फिर वो आगे से थोड़े से कवच को खोल देते हैं जिससे एक भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वही नेदावेलिया में थोर और रॉकेट मिलकर नेदावेलिया स्टार को फिर से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्टार की ऊर्जा को केंद्रित करने वाला डिवाइस टूट जाता है। ये देखकर इट्री उन्हें बताता है कि मशीन जाम हो गई है और जब तक आंख बंद रहेगी बट्टी नहीं जलेगी। तो थोर उसे कहता है कि मुझे इसे खोलना ही होगा क्योंकि बिना हथियार के थेनोस का सामना करना खुदकुशी है। फिर वो स्टार की आंख को अपने हाथों से खोल देता है जिससे स्टार की ऊर्जा से बट्टी स्टार्ट हो जाती है और इट्री धातु को पिघलाकर स्टॉर्म ब्रेकर के ढांचे में डाल देता है, लेकिन स्टार से निकलती ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि वो थोर की पूरी बॉडी को ही जला देती है जिससे थोर नीचे गिर जाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। ये देखकर इट्री रॉकेट और ग्रुट को कहता है कि थोर को स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत है, इसीलिए हमें इसका हैंडल ढूंढना होगा। ये देखकर ग्रुट अपने लेफ्ट हैंड को तोड़कर स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बना देता है जिससे थोर की जान बच जाती है। वही वकांडा में आउटराइडर्स की सेना अवेंजर और टीचाला की सेना पर भारी पड़ रही थी और उनसे जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी थोर बाइफ्रोस्ट की मदद से रॉकेट और ग्रुट के साथ वहाँ पहुँच जाता है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर थोर आउटराइडर्स को चुन चुन कर मारने लग जाता है और वो उन्हें थेनोस को यहाँ बुलाने को कहता है। वही हमें थेनोस को दिखाया जाता है जो टाइटन ग्रह पर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है की स्टेंज वही मौजूद होता है और बाकी सभी वही छिप गए थे। स्टेंज थेनोस को कहता है की मैंने तुम्हारे साथी को मार दिया और अब मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ग्रह पर आ चुका हूँ। तो थेनोस उसे कहता है की यह ग्रह मेरा है, लेकिन ये पहले बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आबादी बढ़ती गई और साधन कम होते गए जिससे हम बर्बादी के कगार पर थे। तभी मैंने सभी को समानता से जनसंहार करने का आइडिया दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझा, लेकिन मैंने जो कहा वो सच हुआ और बढ़ती आबादी की वजह से ये ग्रह
तरह नष्ट हो गया। तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैं तुम्हें आधी दुनिया को खत्म करने नहीं दूंगा, और वो सभी मिलकर अचानक उस पर अटैक कर देते हैं और वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन थेनोस के पास 4 स्टोन होने की वजह से वो बहुत ताकतवर था। तभी वहाँ नेबुला भी आ जाती है और वो भी थेनोस से लड़ने लग जाती है। फिर वो सभी मिलकर थेनोस को किसी तरह पकड़ लेते हैं और मेंटिस उसके दिमाग पर काबू करके उसे बेहोश कर देती है। फिर पीटर और टोनी मिलकर थेनोस के गोल्डलेट को बाहर निकालने लगते हैं। क्विल थेनोस से पूछता है कि गमोरा कहाँ है, तो नेबुला उसे बताती है कि थेनोस ने उसे मार दिया क्योंकि गमोरा के साथ सोल स्टोन लेने गया था, लेकिन ये वहाँ से अकेला लौटा है। जैसे क्विल को बहुत गुस्सा आता है और वो थेनोस पर अटैक कर देता है, जिससे थेनोस वापस होश में आ जाता है और वो वापस गोल्डलेट पहन लेता है। और अब थेनोस को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी को मारने लग जाता है। ये देखकर स्ट्रेंज अपने जादू से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें यहाँ स्ट्रेंज और थेनोस की कमाल की फाइट दिखाई देती है। लेकिन स्ट्रेंज उसे नहीं रोक पाते और वो स्ट्रेंज को पकड़कर आधा हाथों की आंख ले लेता है, लेकिन वो नकली थी इसीलिए वो स्ट्रेंज को मारने लगता है। लेकिन तभी टोनी वहाँ आ जाता है और वो थेनोस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन थेनोस टोनी को बहुत मारता है और उसे इंसल्ट कर देता है। फिर उसे मणि की पावर से खत्म करने लगता है। ये देखकर स्ट्रेंज उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें मणि दे दूंगा। फिर वो थेनोस को मणि दे देता है और उसके बल्ले में थेनोस टोनी को छोड़ देता है। और अब थेनोस को सिर्फ आखिरी मणि की तलाश थी, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। वही वकांडा में ब्लैक आर्डर थ्रेशर लॉन्च कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वांडा मैदान में चली जाती है। और ये मिडनाइट का ही प्लान होता है, जिससे कोरस लेब में पहुँच जाता है और विजन पर अटैक करने लग जाता है, जिससे वो दोनों जंगल में गिर जाते हैं। वांडा उसे बचाने जाने लगती है, मगर मिडनाइट उस पर अटैक कर देती है, इसीलिए ब्रूस उसे बचाने जाता है। लेकिन तभी वहाँ कल भी पहुँच जाता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद ब्रूस कल को किसी तरह मार देता है। वही विजन इंजर्ड हो चुका था, तभी स्टीव वहाँ आ जाता है और कोरवा से लड़ने लगता है, लेकिन उसे नहीं जीत पाता और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी विजन पीछे से आकर कोरवस को मार देता है। वही वांडा, ओकोए और नताशा मिलकर मिडनाइट को भी मार देते हैं, जिससे वो उनसे जीत जाते हैं और थोर उनके सभी शिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तभी सभी देखते हैं कि अचानक मौसम बदल रहा है और थेनोस वहाँ आ जाता है, जो मणि लेने के लिए विजन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसे नहीं जीत पाता। विजन वांडा को कहता है कि तुम्हें इस मणि को नष्ट करना ही होगा, क्योंकि कोई उसे नहीं रोक पाएगा, और अगर मणि उसे मिल गई तो आधा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो वांडा उसकी बात मान लेती है और वो अपनी पावर से उस मणि को नष्ट करने लगती है। थेनोस उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर से उसे रोक लेती है और उस मणि को नष्ट कर देती है, जिससे विजन भी खत्म हो जाता है। लेकिन थेनोस टाइम स्टोन की पावर से समय को पीछे कर देता है और विजन के सर से माइंड स्टोन निकाल लेता है, जिससे विजन की डेथ हो जाती है। फिर वो माइंड स्टोन को गोल्डलेट में धारण करता है, जिससे उसके अंदर असीमित शक्ति आ जाती है। फिर थेनोस अपने प्लान के मुताबिक आधी दुनिया को नष्ट करने के लिए चुटकी बजाने लगता है, लेकिन तभी थोर वहाँ आ जाता है और स्टोन ब्रेकर को उसके सीने में भर देता है। मगर थेनोस हंसते हुए से कहता है कि तुम्हें मेरे सर पर वार करना चाहिए था। ये कहकर वो चुटकी बजा देता है, जिससे थेनोस पल भर के लिए सोल वर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ वो छोटी गमोरा को देखता है। गमोरा उसे पूछती है कि क्या आप अपने मिशन में कामयाब हुए, तो थेनोस उसे कहता है कि मैं कामयाब हुआ, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। फिर वो वापस असली दुनिया में लौट आता है। इन्फिनिटी स्टोन के इस्तेमाल होने की वजह से थेनोस का हाथ बुरी तरीके से जल गया था। थोर उसे पूछता है कि तुमने क्या किया, लेकिन थेनोस मुस्कुराते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब दुनिया की आधी आबादी खत्म होने लगती है, जिससे बाकी टीचाला, वांडा, ग्रुट और फाल्कन भी राख बनकर उड़ जाते हैं। सभी काफी दुखी होते हैं कि वो थेनोस को नहीं रोक पाए। वहीं टाइटन ग्रह पर भी टोनी और नेबुला को छोड़कर सभी राख बनकर उड़ जाते हैं। और जाते जाते स्टेन टोनी को कहता है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। टोनी इससे काफी दुखी हो जाता है। नेबुला उसे कहती है कि थेनोस ने अपना मिशन पूरा कर लिया। वहीं फिर हमें एक ग्रह पर थेनोस को दिखाया जाता है, जो अपना मिशन पूरा होने की वजह से खुश हुआ सूर्योदय देख रहा होता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां मारिया हिल और निक फ्यूरी वकांडा में लड़ाई की निगरानी कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि सिटी के आधे लोग गायब हो रहे हैं, जिससे वहाँ एक्सीडेंट होने लगते हैं। मारिया भी निक के सामने धूल बनकर उड़ जाती है। ये देखकर निक कैप्टन मार्वल का एक पुराना पेजर निकालता है और उसे मैसेज भेज देता है, लेकिन तभी वो भी धूल बनकर उड़ जाता है। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।